वेलकम टू ऑटोमेशन इंडिया। बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ही बनाई है मैंने। और आई होप कि इस COVID-19 के दौर में आप सब ठीक होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, आपका परिवार सब अच्छा होगा। बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मारुति की जो एस्प्रेसो कार है, उसका CNG वेरियंट बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। ये मारुति की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं, बट हाँ अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। विद इन 2 या 3 मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंडिंग में आपको मारुति की एस्प्रेसो मार्केट में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं इसके वेरिएंट्स की बात करता हूँ। तो अगर वेरिएंट की बात करूँ तो ये आपको 4 वेरिएंट में देखने को मिलेगी, LXi ऑप्शनल, VXi और VXi ऑप्शनल। वहीं अगर इसके इंजन की बात करूँ तो 1 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा, हालांकि 998 cc का इंजन वो है, जिसमें आपको CNG सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 12 kg मिलेगी। और माइलेज की बात करूँ तो पेट्रोल का जो माइलेज कंपनी ने दे रखा है वो 21 किलोमीटर है, लेकिन CNG की बात करूँ तो 30-31 किलोमीटर की उम्मीद पूरी की जा सकती है। और वहीं इसके साथ बूट स्पेस की बात करूँ तो 370 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन CNG सिलेंडर लग जाएगा तो वो बूट स्पेस कम हो जाएगा। वो जैसे ही मार्केट में कार आ जाएगी तो जल्दी से जल्दी चैनल पर अपडेट हो जाएगा कि कितना आपको बूट स्पेस वगैरह इसमें मिलने वाला है। मेन चीज़ की बात मैं अगर यहाँ पे करूँ तो इसका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट मारुति की कार ऑल्टो 800 से है, जो कि BS6 इंजन के साथ CNG में लॉन्च हो गई है। और ये एस्प्रेसो भी BS6 इंजन के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। मारुति की ऑल्टो की अगर मैं बात करूँ तो उसका इंजन इससे कम पावरफुल है, वो 800 सीसी का इंजन है और ये 1 लीटर मतलब 998 सीसी का इंजन है। प्राइस की बात करूँ तो दोनों के ही प्राइस में बहुत अंतर है। जहाँ एस्प्रेसो के प्राइस की बात करूँ तो वहाँ उसका LXi ऑप्शनल वर्जन 4.68 लैक्स का है और VXi ऑप्शनल वर्जन 4.98 लैक्स का है ऑन रोड प्राइस। अगर CNG में ही लॉन्च होते हैं तो इसमें 70-80,000 इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑल्टो की प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो ऑल्टो की जो LXi वर्जन है CNG में वो आपको 4.85 लैक्स की पड़ती है, और वहीं LXi ऑप्शनल जो वर्जन है वो 4.89 लैक्स का पड़ता है। ऑल्टो की ये प्राइसिंग एस्प्रेसो की पेट्रोल की प्राइसिंग से भी कम है, जबकि अभी जो CNG की प्राइसिंग आएगी उसमें 70-80,000 इंक्रीज होके आएगा डेफिनेटली जो एस्प्रेसो की प्राइसिंग आएगी। तो प्राइसिंग के मामले में आपको एस्प्रेसो महंगी पड़ेगी, लेकिन स्पेस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको डेफिनेटली एस्प्रेसो में ज़्यादा देखने को मिलेगा, पावर आपको एस्प्रेसो में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई है और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है कि ये कार बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कार लेने का तो जल्दीबाजी में आप ऑल्टो ना ले लें या कोई और कार ना ले लें, जबकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चलते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऑल्टो और इसके बीच में कंपैरिजन करके एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है मुझे पता है, और अब वीडियो रेगुलर रहेंगी क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और अब कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें सारी CNG से रिलेटेड और सारी और भी नई नई कार से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।